उन लोगों ने मेरे पूरे सोल्जर्स मार दिए। मैं उन लोगों में से किसी को भी बचा ना सका। मुझे शर्म आती है अपने आप पे। ना तुम हमें धोखे से पकड़ने आते और ना ही तुम्हारे सोल्जर्स मारे जाते। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बर्बादी के पीछे कोई और है। अरे वाह, सस्ते फल। 51, 52, 53, 54। अरे ये आपस में झगड़ना बंद करो। ये सोचो कि माइकल दादा को छुड़ा के कैसे लाना है। ड्राइवर बिल्कुल सही कह रहा है, अभी आपस में लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं है। तो बताओ जय, अभी इस मुसीबत से हमें कैसे निकलना है, क्योंकि तुम ही हमें इस मुसीबत में डाल दिए हो। हम उस दिन कुछ और करने जा रहे थे लेकिन तुमने हमें पकड़ा और उसके बाद ये सब हो गया। तो बताओ अब हमें करना क्या है। बताओ हम माइकल को उनके चंगुल से कैसे छुड़ाए। उन सब की फिक्र तुम मुझ पे छोड़ दो, हम इसमें FBI की मदद लेंगे। FBI की चंगुल से तो जादू भी नहीं छूट पाया था, तो माइकल दादा को तो हम आराम से ढूंढ लेंगे। जय सच बताना, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा प्लान वर्क करेगा? देखा नहीं मनी हाइस की सेना ने क्या हाल किया था अपना। नहीं, मेरा पैंट फाड़ना नहीं, शैतान। ए लमार, आज तो मुझे अपने मेंशन की याद आ रही। क्या ठाट होते थे मेरे उस टाइम पे। 4 लोग सलाम करते थे और 200 लोग गोलियां मारते थे। गाड़ी बंगला सब कुछ था मेरे पास। अरे बाबा, मालूम है क्या, पहले मैं एक क्रिकेटर था। एक दिन टांग पे ऐसी लगी ना, मेरे घर पे लेट गया। सबकी अपनी अपनी परेशानी है, पर वो बुरे लोग इस शहर को तबाह ना कर दे। कितना खूबसूरत शहर है ये। इस शहर के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा। 512, 513, 514। रिंग जैसे कभी जय ने बताया, अभी अपन लोग सुबह सुबह 9 बजे निकलने वाले हैं FIB बिल्डिंग की तरफ। वहीं पे जाके अपन FIB की मदद से माइकल दादा को खोज के निकाल लेंगे। मेरे दोस्तों नहीं रहे, पर मेरा वादा है मैं तुम्हारे दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। माइकल को मैं ढूंढ निकालूंगा। ठीक है, फिर कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। तैयार रहना, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी जानी है हमें। बाप रे, आज बहुत ज़्यादा ही काम हो गया। घर के लिए बहुत लेट हो रही हूँ। आज ज़्यादा ही पेशेंट आ रहे थे। दोस्तों, जाने वाले आज हम एक मिशन पे। इस मिशन में ऐसा भी हो सकता है शायद से हम लौट के कभी वापस ना आए। अगर किसी को डर लग रहा है तो अभी वापस जा सकता है। उन लोगों ने मेरे सारे सोल्जर मार दिए, ऐसे ही उन लोगों ने मेरे दादू भी छीन लिया मुझसे। अगर किसी को कुछ कहना है तो अभी बोल दो, बाद में मत बोलना। फ्रैंकलिन आया है सर। ड्राइवर आया है। कैप्टन एडम भला हो तुम्हारा। निको भैया। हाँ ऋतिक रोशन। हाँ टॉमी भैया। जय हो। क्ला मास्टर, मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। लगता है आप सबको मेरी बात समझ में आ चुकी है। अब एडम ये बताओ, हम सब यहाँ क्यों खड़े हैं? हम सब यहाँ इसलिए है कि हम सबसे अच्छे में से अच्छे में से अच्छे हैं। अहिला, तुमने तो जादू जैसी बात कही। सैम जादू भी यही कार करता था। तो जवानों, जैसे हमने जादू को ढूंढा था वैसे हम माइकल को भी ढूंढ ही लेंगे। अलोक, फ्रैंकलिन और एडम, तुम जाओगे मेरे साथ हेलीकॉप्टर में। पहले हम जाएंगे FBI बिल्डिंग और ड्राइवर, निको भैया, टॉमी भैया और क्ला जाएंगे वेस्ट साइड में इस ट्रक से। ड्राइवर, फ्रैंकलिन, पूरी GTA का फ्यूचर अब तुम पे टिका है। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है
तो जाओ ट्रेवर, गुड लक। ये बात बात पे जादू क्यों बोलता है? अरे अरे, लगता है दरवाजा नहीं खुल रहा, लगता है बड़ा चिकना दरवाजा है। ये सब तो चले गए, अब हमारा काम है हेलीकॉप्टर पे चढ़ना। चलो फ्रैंकलिन, चले चलो ऊपर। और मेरी बात ध्यान से सुन लो, शायद से ये भी हो सकता है ये हमारा हेलीकॉप्टर का आखिरी सफर हो। रैंक गेम में तो हमारा रोज ही आखिरी सफर होता था फ्री फायर में, तो अब इतना क्यों डर रहे हो जय? लगता है ये जबान लगाना कभी बंद नहीं करेगा, इसकी पिछली बार नाक तोड़नी चाहिए थी। बहुत देखे। चलो चलो अंदर बैठो, अंदर बैठो। हाँ, दरवाजा बंद करता हूँ। फ्यूल कंबिशन चेक, रेडियो चेक, ऑल कमांड्स। हेलो हेलो, पीछे जाओ। वारे भाई एडम यहाँ पे भी लड़ रहा है तो सीट के लिए। चलो चले। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? GDFI के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो अभी तक दोस्तों आपको पता चल ही गया होगा कि अभी अपन जा रहे हैं दोस्तों माइकल दादा को छुड़ाने के लिए। इस बार अपन हेलीकॉप्टर से जा रहे हो दोस्तों, मतलब अभी इतने दिनों में अपन ने पहली बार हेलीकॉप्टर का यूज करा है। अभी ना सबसे पहले अपने को जाना है दोस्तों FIB बिल्डिंग पे। FIB बिल्डिंग पे जाने के बाद दोस्तों, जैसा कि अपने को जय भैया ने कहा था कि यार अपने को पुलिस वालों से हेल्प लेनी है, मतलब जितने भी पुलिस वाले हैं वहाँ पे अपनी सारी मदद करने वाले हैं। FBI ऑफिसर जितने भी होंगे वो सारी की सारी दोस्तों अपनी मदद करेंगे माइकल दादा को ढूंढने के लिए। मतलब देखो भाई, जय भैया का आना यहाँ पे इतना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा कि सारी की सारी पुलिस फोर्स दोस्तों अब अपने साथ हो चुकी है। हो सकता है भाई, पहले आपको लास्ट एपिसोड में याद होगा कि कितनी ज़्यादा अनबन हो गई थी, लेकिन वो सिर्फ एक गलत फहमी थी दोस्तों। जो जय है ना, जय लग रहा था कि जितने भी ये लॉस सैंटोस में तबाही हो रही है, जितने भी लॉस सैंटोस में ये मर्डर्स वगैरह हो रहे हैं, इन सब के पीछे एडम का या फिर अलोक का या फिर अपने जो फ्रैंकलिन भैया या फिर माइकल दादा का हाथ है। लेकिन अभी उनको सारी सच्चाई पता चल चुकी है जब उन्होंने देखे कि वो मनी हाइस्ट की सेना किस तरीके से लोगों को मारे जा रही है, किस तरीके से वो कत्ले आम मचा रही है। तो तब फाइनली भाई जय भैया को अब समझ में आ गया कि कौन सही है वो गलत है। तो अब जय भैया अपना पूरा साथ देने वाले हैं अपने माइकल दादा वगैरह को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले FIB बिल्डिंग जाना है अपने को, जो अपन जल्दी पहुंच ही चुके हैं। सामने आपको थोड़ी देर के बाद FIB बिल्डिंग दिखाई देंगी, जहां पे अपन जाके सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। और भाई FBI वालों के पास तो दोस्तों आपको पता ही है, इतनी ज्यादा चीजें हैं, इतनी ज्यादा रिसोर्सेस हैं कि वो माइकल दादा को ट्रैक करके एक सेकंड में ढूंढ के निकाल लेंगे। यार वैसे यार अगर बात देखा जाए तो लॉस सैंटोस अपने को काफी ज्यादा खाली खाली दिखाई दे रहा है। अब पता नहीं इसका रीजन क्या है, लेकिन यार ओ भाई एक मिनट यार, यहां पे हो क्या रहा है भाई साहब? यहां पे एक ओ भाई 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 साहब, पूरी FIB बिल्डिंग तहस नहस हो चुकी है। इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरा दी भाई यार। मुझे लगता है भाई इन लोगों को शायद खबर थी, जोकर्स और क्रिमिनल्स का ही काम होगा भाई। भाई साहब आप देख सकते हो दोस्तों, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ यार, FIB बिल्डिंग की तो पूरी ऐसी की तैसी हो चुकी है यार। और माई भाई, अभी यहाँ पे तो अपन मदद के लिए यहाँ पे आने वाले थे और यहाँ पे तो अलग ही मैटर रुक चुका है। और सिर्फ FIB बिल्डिंग नहीं, उसके आसपास का दोस्तों पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है भाई। ये हरकत करने वाले मुझे तो पता है दोस्तों कौन है, लेकिन अब भाई थोड़ा नीचे चल के देखना पड़ेगा यार। मलबे में कुछ लोग वगैरह बचे होंगे तो शायद उनको बचा सकते हैं उन लोग। भाई ये बहुत ज़्यादा बुरा हो चुका। उतरो सब लोग यार, उतरो जल्दी जल्दी। अभी देखते हैं यार कि हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअली में भाई साहब। तो गाइज भाई यहाँ पे देख सकते हो बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे हाल मचा हुआ है। अभी अपने एडम चचा वगैरह सब लोग साथ में मिलकर चलते हैं, यहाँ पे जायजा लेते हैं एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है। हमारे ऑफिसर्स वगैरह अगर यहाँ पे मिलते हैं तो अपन उनकी हेल्प भी कर देंगे। मैं जाता हूँ दोस्तों सामने। और भाई यार यहाँ पे तो पूरी गाड़ियाँ तहस नहस होके पड़ी है, झाड़ टूट के बिखरे पड़े। और भाई रेलवे डब्बा यहाँ पे आके पड़ा हुआ है। और मैं दिखाता हूँ दोस्तों आपको, ये देखो ये देखो भाई, इतनी बड़ी FIB बिल्डिंग का क्या हाल कर दिया यार। कोई नहीं बचा होगा, कोई नहीं, लिटरली भाई लोग गिर गए होंगे जब इतनी भयंकर तरीके से बिल्डिंग गिरी होंगी यार। भाई ये ड्रोन से दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको, देख लो यार क्या हाल हो गया। हमारी जो क्रेन थी वो FIB बिल्डिंग की, वो भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। मुझे तो लगता नहीं यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे कोई लाशें वगैरह तो दिखाई नहीं दे रही। मुझे लगता है ये कम से कम एक दिन पहले वाक्या हुआ है, क्योंकि हम एक दिन पहले आपको याद होगा तभी हम जय और अलोक वगैरह फाइट कर रहे थे, तब की बात है मेरे ख्याल से ये। और भाई अभी भी यहाँ से धुआं निकल ही रहा है, सब लोग यहाँ पे सेफ रहे। यहाँ पे कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नॉर्मल लोग हैं, इन लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा यार। इनसे कुछ पूछते हो भाई साहब, यहाँ पे हुआ क्या एक्चुअली, बता सकते हो हमको? और फ्रैंकलिन भैया थोड़ा सामने से हटो।
बेटा बर्बाद हो गए हम सब, बर्बाद हो गए। कुछ कार्टून लोग आए और सब उड़ा के चले गए। तो इन्होंने कार्टून लोग किसको बोला है दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे। वैसे तो अब देखने के यहाँ पे कुछ बचा नहीं है दोस्तों, तो मैं समझ गया कि ये किन लोगों का काम है। मेरे ख्याल से ये जोकर्स और क्रिमिनल्स का ही काम है दोस्तों। लास्ट टाइम यार मुझे थोड़ा सा पता चला था कि उन्हें अरेना वॉर व्हीकल के साथ देखा गया है हाईवे पे कार्स को डिस्ट्रॉय करते हुए, तो मेरे ख्याल से दोस्तों उन्होंने ही वही काम किया है। तो आलोक भैया वगैरह सबको भी थोड़ा सावधान कर देना पड़ेगा, क्योंकि यार अपने ऊपर भी हमला हो सकता है, अपने को यार सतर्क रहना पड़ेगा एनी टाइम। ओ भाई सॉरी 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 एडम भैया, यार मैं गलती से मैं कूद गया था। वैसे यार जय की बॉडी आपको दोस्तों कैसे लग रही है एक बार कमेंट करके वैसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे अपनी वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है, वीडियो लेट आने का रीज़न ये है कि थोड़ा सा दोस्तों मेरे जो ग्राफिक्स कार्ड है वो डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से यार पूरी जितने भी मैंने वीडियोज़ बनाई थी जितना भी डेटा था सब उड़ गया था भाई। उसके बाद फिर से मैंने भाई वीडियो बना रहा हूँ, फिर से सब कुछ कर रहा हूँ, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लग गया वीडियो बनाने में, उसके लिए दोस्तों मुझे माफ़ करना। लेकिन भाई वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आपको यहाँ पर ऐसे GTA 2 फ्री फायर सीरीज़ के और भी ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलते रहेंगे दोस्तों। और भाई आज की वीडियो में एक स्पेशल कैरेक्टर भी आने वाला है, तो वीडियो को एंड तक दोस्तों ज़रूर देखना। तो चलो मैं यहाँ पर बहुत लोगों को ढूंढ लिया, अभी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं मिला, लिटरली यहाँ पर कोई नहीं था, तो यहाँ से अभी दोस्तों निकल जाते हैं। ओ भाई आ जाओ एडम चचा वगैरह आ जाओ। और भाई भाई साहब पता नहीं अभी क्या होने वाला। ओ भाई सामने से बंदे, ओ शिट, मन यहाँ कार में फिर से आ गई फिर से इस बार, लेकिन भाई छोड़ेंगे नहीं। वैसे भी दोस्तों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया था कि ये जो बरमूडा प्लान बरमूडा जो भी इवेंट आया था मनी हाइस्ट का दोस्तों, वो अब खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से मनी हाइस्ट की पावर भी अब जा चुकी है। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ मनी हाइस्ट की जो सेना है ना फटाफट खत्म हो रही है, अब मेरे लिए उतनी नॉर्मल बात नहीं रही, ये अब मेरे लिए पावर रेंजर्स के जैसे क्राइबॉट्स की जैसी चीज़ हो गई। तो अपने जय भैया भी बहुत बड़े तरीके से संभाल रहे हैं, जय भैया की जो एबिलिटी है ना पिछले बार से ज़्यादा इनकी जो बॉडी वगैरह भी अपग्रेड हो गई है, तो यार बहुत अच्छे तरीके से जय भैया संभाल रहे हैं। तो फटाफट संभालो, थोड़े से ग्रेनेड खाओ, ये लो बेटा ये लो, एक और खाओ। ओ भाई पीछे से मारेगा, पीछे से मारेगा। ओ भाई नहीं बच सकता यहाँ से, यहाँ से नहीं बचेगा यहाँ से। ये ले तू भी खा, तू भी। ओ फ्रैंकलिन भैया भगवान से। ओ भाई तो यार फ्रैंकलिन भैया अभी, अब फ्रैंकलिन भैया संभाल रहे हैं। ओ भाई साहब ये देखो इनके सामने भी आ चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे मनी हाइस्ट आ रहे हैं, लेकिन यार बहुत जल्दी मर जा रहे हैं। मतलब आपको दोस्तों याद होगा कि पिछली बार जब मनी हाइस्ट से अपना सामना हुआ था, मतलब जब अपने जय भैया वगैरह नहीं आए थे, तब यार मनी हाइस्ट मरने में कितना टाइम लगा रहे थे आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन अभी तो ऐसे फटाफट मर जा रहे हैं, बस पता भी नहीं चल रहा। बस इनको खत्म करते यार, फटाफट खत्म करते, अपने लिए कोई बड़ी बात नहीं रही है। ओ भाई ये देखो कैसे डॉच करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब बारी अपने आलोक भैया की, आलोक भैया दमक मचाओ मचाओ धमाल। ओ भाई आलोक भैया की भी कितना ज़बरदस्त मार रहे हैं। वैसे यार इनकी लाइफ पर उतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों आलोक भैया की जो एबिलिटी है कितनी ज़बरदस्त है, तो इनकी लाइफ पे तो ज़रा से भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इनकी जो हीलिंग है ना बहुत ज़बरदस्त हो गई है। ओ भाई वो देखो सामने से छुप के वार चल रहा है। ओहो छुप के वार चलेगा, नहीं चलेगा बेटा यहाँ पे मेरे साथ तो नहीं चलेगा। ओहो भाई देख रहे हो कवर कितना मस्त ले रहे हैं ये लोग भी, सीख गए मनी हाइस्ट की जो सेना है ना, पहले इनके पास दिमाग नहीं था, अब इनके पास धीरे धीरे दिमाग भी आ रहा। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे आलोक भैया के पास भी बहुत बढ़िया दिमाग है। ओहो भाई ये देखो कैसे मार रहे अपने फ्रैंकलिन भैया, तो सीधा मार रहे, कोई कवर वगैरह भी लेते नहीं हो। और यहाँ पे साइड में भी कुछ है, ये मनी हाइस्ट के आर्मी पता नहीं यार बार बार कितने सारे क्यों आ जाते हैं, और इनको भेजता कौन है समझ में नहीं आता, कितने सारे आते हैं बिल फालतू इज्जत खराब करने के लिए आते हैं। और अब एडम चचा मार रहे हैं अपने। ओ भाई ये क्या मारते हैं एडम चचा, भाग रहे हो एडम चचा, भागो मत। अरे डर गए एडम चचा, ओहो छुप गए एडम चचा, तो कोई दिक्कत नहीं अपने जय चचा संभाल लेंगे सब। ये लो मारो, अब तो अपने ग्रेनेड वाली गन है दोस्तों ये, इससे अपन सबको संभाल लेते फट। कहाँ है और कहाँ, ये देखो यहाँ पे छुप के बैठे। ये लो बेटा। ओहो भाई पूरे ख़त्म हो रहे हैं, पूरे इनके जितने भी दस्ताने हैं ना सब खत्म हो रहे हैं। ये जो अपनी ग्रेनेड वाली गन है ना दोस्तों, इनके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकती, ये ग्रेनेड वाली गन के सामने नहीं टिक सकते, उल्टा बोल दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं, ये लो अंगार वाली दारू खाओ, ये लो और ये भी लो। ये देखो ऐसे ऐसे मरते दोस्तों, ऐसे ऐसे मर जाते ना कि भाई क्या कहने, ज़्यादा बचे नहीं दोस्तों, 5-6 लोग ही बचे हैं। अब इनको फटाफट ख़त्म करते हैं, और फटाफट ख़त्म करके यार निकलते हैं यहाँ से। ये बार बार अपने पीछे पड़ जाते हैं यार, बार बार इनको अपने साफ करने का ठीक ही नहीं लगे रखे दोस्तों, बार बार मनी हाइस्ट की सेना ही अपने पीछे पड़ जाती है। और ये देखो ये आखिरी वाला बचा हुआ है, वो कहाँ छुप रहा है, ए कीड़े कहाँ छुप रहा है, हाँ सामने है सामने, डरपोक पिद्दी, ए पिद्दी आजा आजा बाहर आजा, इसको इससे मारना पड़ेगा। ए ले चल जा, आजा 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 सर, ए चल जा आजा बाहर निकल, देखो ये जला, ए जल गया, ये बात जल गया।
ये हुई ना बात दोस्तों, अपने जय भैया ने बहुत जल्दी संभाल लिया। ओ भाई सामने भी थोड़े से 3 बचे, जैसे मुझे मैप में दिख रहा है दोस्तों, मिनी मैप में 3 लोग बचे हैं। चलो 3 लोगों को भी उड़ा देते फटफट। ये लो तुम लोग दारू पी के मर जाओ यार, ये सही तरीका है यार, दारू पी के मारा दो इनको। ओ भाई ये देखो कैसे उड़ के मार, नहीं बच सकते रे तुम, तुम्हारा इवेंट जा चुका है, तुम लोग अब उतने ताकतवर नहीं रखे। फ्री फायर वाले गरेना वाले सुन रहे हो, नए वाले एनिमीज भेजो, ये अपने लिए कुछ भी काम की नहीं है, नए एनिमीज भेजो, कुछ भी काम की नहीं है। ये हुई ना बेटा पूरे खत्म, 5 मिनट के अंदर सबका सवाया पूरे खत्म। हम लोगों ने मनी हाइस को तो खत्म कर दिया, पर हम ट्रेवर को फोन लगा पूछता हूँ कि वो कहाँ तक गया। तो दोस्तों अभी ट्रेवर भाई साहब, क्लार्क, निको भैया और साथ ही साथ अपने टॉमी भैया, ये सारे के सारे मिलके जा रहे हैं दोस्तों ओलिविया के पास। ओलिविया का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ओलिविया है उसी की वजह से फ्रैंकलिन भैया और साथ ही साथ जो अपने निको भैया है उनकी जान बची थी। आपको याद होंगे जो ब्लड मून समुराय ने उनको इतनी बुरी तरीके से पटक के मार दिया था, लेकिन उसी के बाद ओलिविया ने उनकी जान फिर से बचा थी, उनको फिर से उनकी ज़िंदगी, नई वाली ज़िंदगी जो दी थी वो ओलिविया की वजह से आई थी, क्योंकि उसके पास जो फ्री फायर की एबिलिटी है उसकी वजह से वो किसी को भी हील कर सकती है। मतलब उसकी इतनी जो प्यारी एबिलिटी है ना, उसकी वजह से वो किसी को भी हील कर सकती है। तो मैं सोच रहा हूँ यार क्यों ना इस मिशन में हम उसको भी शामिल कर रहे हैं। तो इसीलिए जो अपने ट्रेवर भाई साहब है ना, इसीलिए उसी के हॉस्पिटल में जा रहे हैं। और क्ला भी बहुत दिन से कह रहा था कि यार उसकी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है, तो क्ला जा रहा है उसी के पास अभी। अभी हम सभी लोग मिलकर जा रहे हैं, देखते हैं कि ओलिविया क्या कर रही है, हो सकता है वो अपना साथ दे दे इस मिशन में, क्योंकि यार बहुत सारी जानें बच जाएंगी। और मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है शायद अमेंडा भाभी भी वापस आ जाए, हो सकता है यार, क्यों नहीं हो सकता। मतलब ओलिविया की जो एबिलिटी है उससे है ना, एबिलिटी से अमेंडा भाभी वापस आ सकती है। तो चलो बॉयज सब लोग चलो भाई, अपने ट्रेवर भाई साहब सबसे सामने हैं। और ये भाई यहाँ पे इतनी सारी पुलिस क्यों यार, मेरा दिल घबरा रहा है, इतनी पुलिस क्यों, पिछली बार इतनी पुलिस दिखी थी तो कुछ और ही दिखा था मुझे, प्लीज़ अब यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं सुनना। अरे इंस्पेक्टर से पूछता हूँ क्या हुआ। हाय रुको 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 वहीं रुको, तुम ये सीधे सीधे यहाँ क्या चले आ रहे हो, दिखता नहीं यहाँ वारदात हुई है। दिखाई नहीं देता, सरेआम एक डॉक्टर को गोली मार दी गई। किसको गोली मार दी गई, हमें कुछ बताओ तो सही। खबर तो अच्छी है बेटा कि उसका नाम ओलिविया था। क्या कहा, ओलिविया? नहीं ऐसा नहीं होना था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ के चले गए इतनी जल्दी, तुम तो लोगों को जिंदा करती थी, अब तुम्हें कौन जिंदा करेगा। पर जिसने भी तुम्हें मारा है मैं उसका बदला जरूर लूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसकी जान ले लूंगा। है क्ला, इतना जज्बातों में मत आओ। जज्बातों की तो बात है, उसने उसे सरे आप गोली मार दी। क्ला मेरी हमदर्दी तुम्हारे साथ है। ड्राइवर भाई साहब उसने तो मेरी जान बचाई थी, पर मैं तो उसे थैंक यू तक नहीं कह पाया। उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, पर जिसने भी उसे मारा है मैं उसकी जान ले लूंगा। रुको जय का फोन आ रहा है। हेलो क्या मनी हाइस, एफआईबीटी सभा हो गई, रुको मैं अभी आ रहा हूँ। तो दोस्तों एक और बैड न्यूज़ मिली है अपने को कि ये ओलिविया, मतलब भाई ओलिविया के साथ भी उन लोगों ने इस तरीके की हरकत कर दी भाई, बहुत बुरी हरकत करी है। मतलब मैं बता नहीं सकता यार, ये जो क्रिमिनल लोग हैं ना, मतलब जो टॉप क्रिमिनल की जो बंडल जिनके पास भी सूट है ना, इतने बेरहम हो सकते हैं मैंने सोचा नहीं। भाई इन्होंने अमेंडा भाभी की जान ली और अब इन्होंने ओलिविया को भी जान से मार डाला, तो अब ये पता नहीं क्या करेंगे। मतलब भाई अभी सबसे ज़्यादा उदास तो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है ना क्ला, और क्ला के बाद अगर कोई उदास है ना तो यहाँ पे अपने निको भैया है। भाई पहली बार उनके चेहरे पे इतना ज़्यादा गम देख रहा हूँ मैं, मतलब भाई वो उसको थैंक यू तक नहीं बोल पाया, उसने कितना बड़ा काम करी थी, लेकिन अब क्या कर सकते यार। अगर ये रेड क्रिमिनल्स जो भी क्रिमिनल है ना, अब अगर अपने सामने आया ना तो इनको अपन छोड़ने नहीं वाले। ए क्ला रोना बंद कर, इतना भी नहीं रोते। तो गाइस यहाँ पे क्ला भैया रोना बंदिश नहीं कर रहे हैं भाई, उनको कैसे समझाए कि भाई इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है तो अब क्या करें भाई, अब लड़ना तो है ही अपने को। अभी यार सबसे पहले यार अभी जो अपने को बताया है जय भैया ने कि एफआईबी बिल्डिंग पे बुरी तरीके से हमला हो गया है, मतलब भाई देखो इन लोगों को अपने सारे प्लान्स का पता चल जा रहा है, किसी ना किसी तरीके से इनको अपने सारे प्लान्स का पता चल जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई इन्होंने अपने पीछे कोई जासूस छोड़ रखा है जो अपनी आने वाली सारी जो चालें रहती, जो भी अपने प्लान रहते हैं वो सारे के सारे इनको पता चल जा रहे हैं। कभी अपने को रस्ते में रोक ले रहे, कभी कुछ कर रहे, लेकिन भाई समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का मैटर क्या है। अभी यार अगर सामने आते हैं ना तो इनको ख़त्म ही कर देंगे यार, बस खत्म हो जाए, वो अपने हाथ से ख़त्म ही नहीं होते, वो बात अलग है। तो यार चलो अब
ओ भाई साहब, यहाँ पे तो मैं अलग ही सीन देख रहा हूँ, बहुत बुरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। तो ये रहे अपने जय भैया, एडम चचा भी खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो क्या भाई, जय भैया तो देखो अब आ चुके हैं। जय भैया ने अच्छा खासा बोलते कॉम्बैट किए दोस्तों, ये बता रहे जय भैया ने बहुत बढ़िया तरीके से जितने भी अपने मनी हाइस्ट वगैरह है सबको ठिकाने लगा दिए हैं। लेकिन यहाँ पे तो अलग ही बिल्डिंग के कुछ हाल अलग ही दिख रहे हैं। यहाँ पे पूरा मोहल्ला जितना भी है डिस्ट्रॉय हो चुका है इतने एरिया का, उन लोगों ने किया है, मुझे पता है ये मनी हाइस्ट ने किया है। अब थोड़े जय भैया को बोलना पड़ेगा कि यार थोड़ा क्लाक को जाके लेके आओ यार, लोग थोड़ा सा जा क्लाक को मना के लेके आ, काफ़ी ज़्यादा रो रहा है वो, रो रहा है भाई, प्लीज़ उसको लेके आ जाओ। और अलोक तो कोई मतलब का नहीं है भाई उसको, भाई एडम चचा तुम जा सकते हो, एडम चचा का कोई जवाब नहीं। जय भैया तुम चल जाओ, तुम्हारी बात ज़रूर मानेगा। हे क्लो, इतना मत रो, मान जानता हूँ दोस्त खो जाने में बहुत दर्द होता है, जैसे मुझे हुआ था जब मेरा जादू मेरे से दूर चले गया था, पर मैं जब भी हिम्मत नहीं हारा उसके बाद मैं बना क्रिश। मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसकी याद आ रही है। रो और रो, वैसे भी तुम नुबड़ों में रोने के सिवा कुछ आता नहीं है। अरे वाह, सब नुबड़े एक साथ निकले हैं, आज तो मजा ही आ जाएगा। मुझे मालूम पड़ा है कि तुम्हारे दोस्त को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये तो ज़ॉम्बी समुराई है। हे, नीचे आके बात करो, तुम जानते नहीं हमारी ताकत को, तुम जानते नहीं हमारे दर्द को, तुम जानते नहीं हमारे लातों को। डायलॉग बाजी बंद कर, मुझे गुस्सा मत दिला, तुम जैसे कमजोर लोग सिर्फ हमारे जैसे ताकतवर लोगों की गुलामी करने के लिए पैदा होते हो। चलो सोलो वर्सेस स्क्वाड हो जाए, तुम पूरे लोग और मैं यहाँ अकेला, ना हथियार ना गन, सिर्फ ओनली भुक्की 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 याट। आ जाओ लड़ लो मेरे से, हिम्मत है आ जाओ, बिना गन से बिना तलवार से, सिर्फ मेरे हाथ ही तुम्हारे लिए काफी है। पहले कौन आना चाहेगा, जो पहले आएगा उसकी हड्डियों की आवाज तुम सबके कानों में बजेंगी और तुम डर के मारे भाग जाओगे। आ जाओ साथ में आओ या अकेले आ जाओ। और कोई आना चाहेगा, नुबड़ो के जैसा मर के पड़े हो, अच्छा लड़ ले मेरे से, ये ले मेरा हाथ नहीं हथौड़ा है समझे, ये ले लात गुस्सा सिंगम का हाथ ले खा मेरा धार करके, अभी वो चिमकांडी के तू बना गया, ये ले। ओ, तुम जैसे कमजोर लोग कभी भी हमको नहीं मार सकते हो। अयला सब डाउन हो गए, अलोक तुम्हें कहीं डर तो नहीं लग रहा है ना? लड़ेंगे आखिरी सांस तक, हम किसी से नहीं डरते। ठीक है आ जाओ लड़ लो मुझसे, मालूम पड़ जाएगा कि कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन नूबड़ा। मुझे धोखा दिया है, मैंने कहा था कि कोई हथियार यूज नहीं करोगे, तुम सबसे बड़े झूठे हो। पुलिस ही नहीं तो उसूल किस काम के,
अब तुम मरोगे वो भी मेरे हाथों। अच्छे से बता दो माइकल कहाँ है, अच्छे से बताना, वरना ये गोली तुम्हारे डायरेक्ट बेचे में। ओ! एंटोनियो यूसियस का दोस्त है। ओ भाई फाइनली माइकल दादा मिल गए अपने को, लेकिन इस हालत में मिले। तुम्हारा दोस्त ऐसा लंगा क्यों लेटा हुआ है, क्या हुआ है उसके साथ? आइला यही था माइकल सेंटा है क्या? सच बताना फ्रैंकलिन, क्या यही है? ये तो नंगा लेटा है। अरे पिछले दो हफ्तों से इन्होंने मेरे को कैद करके रखा है, बहुत मार रहे हैं। अरे दोस्तों देखो अपने साथ कौन आया है, हार्दिक रोशन। अरे ऑटोग्राफ लो इसका। अरे बेवकूफ बगी मैन, ये सिर्फ जय है जो ऋतिक रोशन जैसा दिखता है। इसके पास कोई भी जादू की शक्ति नहीं है, ये हर जगह झूठ बोलता रहता है। ए चुप करो, अभी सबसे खुशी की बात है ये तीनों अपने पास आ गए। अब मजा आएंगी, मैं इनके हाथ पर चबा जाऊंगा। आखिरकार तीनों GTA के मेन प्लेयर अपने पास आ ही गए, चुन चुन के बदला लूंगा इनसे। Hey! मैं इस लुक्के को मार डालूंगा, बहुत होशियार बनता है ना। अब कहां गई तेरी हिकड़ी? बार बार एक ही जगह पे आके हम लोग कैसे फंस जाते हैं, ये लोग हमें बार बार कैसे पकड़ लेते हैं। दोस्तों आज तो हम मरने ही वाले हैं, इतने सारे लोग, हम तो मर गए समझ के चलो। थोड़ी बंदूक नीचे कर, मेरे हाथ दुख रहे हैं, गन के बिना फिर पता था मैं कौन हूँ, ऐसा मारूंगा ना तेको। ये सब मेरी गलती है, इस गलती की सजा सिर्फ मुझे दो, उन बिचारों को नहीं जिनने कुछ नहीं किया है। तुम चाहे तो मेरे को गोली मार दो, पर इन लोगों के साथ कुछ मत करो, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ऐसा प्लीज मत करो। ओ निको मालूम पड़ा कि तेरी माशूका मर गई, किसने मारा तेरी माशूका को, जरा मेरे को भी बता। रात में जा रही थी, कट से लगी गोली, मर गई लगी। बेटा जैसा मजा करना है कर लो, मैं जादू को बुलाऊंगा ना, फिर पता चलेगा जादू तुम्हें तोड़ देगा। वेल जेंटलमैन बस बंद करो ये सब बातें, आ रहे हैं अब अनिष्ट देव। वो आ गए। वाह मेरे गुलामों वाह, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब यहाँ पे GTA के तीनों मेन कैरेक्टर है, माइकल भी है, फ्रैंकलिन भी है, ट्रेवर भी है, मतलब समझ रहे हो, अब हम पूरे GTA पे कब्जा कर लेंगे, हर जगह सिर्फ और सिर्फ बैटल रॉयल होंगी। इतने बड़े ओपन वर्ल्ड गेम में अब बैटल रॉयल शुरू होंगी, लेकिन उसके पहले मुझे चाहिए एक शरीर, लेकिन मुझे शरीर चाहिए सिर्फ एक फ्री फायर कैरेक्टर का, तो इस नूबड़े एडम को मेरे पास ले आओ, मुझे इसका शरीर चाहिए, इसके शरीर को मैं कब्जा करके अपना शरीर बनाऊंगा और फिर हम सब लोग मिलके GTA पे कब्जा कर लेंगे। इस एडम को मेरे हवाले कर दो, जल्दी मेरी मदद करो। काश वेनम यहां होता तो वो ऐसा होने नहीं देता। वेनम वेनम वो क्या कर रहा है? हे, चिल्लाना बंद कर, दिख रहा नहीं वो मर रहा है। कुछ ही देर में अनिश्चित देव अपने सामने खड़े होंगे, है ना? उनके आने के बाद मेरे पास करोड़ों डायमंड्स होंगे। सही कहा ना? बिल्कुल सही जेंटलमैन, अनिश्चित देव आ रहे हैं, बस देखते जाओ। अरे वाह, अनिश्चित देव तो मुझे नई बगी दे देंगे। नहीं गद्दार, नहीं। अरे यार ये इसने क्या कर दिया, लगता है ये पागल हो गया है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है? मतलब तुम भी वो सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये सच में? नामुमकिन। ये ही है मेरा दोस्त वेनम, आखिरकार आ ही गया।
ये कौन है? कौन है ये? यही है एडम का दोस्त वेनम, एके हयातो। आइला, जादू। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। नामुमकिन, मालिक ने इसे अपने कब्जे में कर लिया था। विस्तम विनाशितम। ये जादू, जादू कर रहा है ये भी। इसकी पावर है, ये भाग जाएंगे। पकड़, पकड़, पकड़ो उन्हें, पकड़ो उन्हें, पकड़ो जल्दी, पकड़ो उन्हें, पकड़ो, ये उड़ जाएंगे। नहीं, ये गायब हो जाएंगे। अरे ये तो लोग तो गायब हो गए। ये क्या हो गया? मैं तो मालूम था इनको पहले ही मार देना चाहिए था। फालतू में बात आ।